Hello students, welcome to another session of ASEC. In today's session, the topic that we have picked up is commonly misspelled English words. Now, English mein aise kafi sare words hote hain, which when we write na, jab hum unki spellings rakhte hain, the spellings go wrong. ठीक है, उनकी स्पेलिंग्स गलत हो जाती है. ओके, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है कि हम डेलिबरेटली उनकी स्पेलिंग्स गलत नहीं करते हैं. इट्स जस्ट दैट कि स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं. राइट, नाउ देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड द सेम. कई बार क्या होता है कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं. ठीक है, मिस प्रोनाउंसिएशन होता है जिस वजह से स्पेलिंग्स जो है वो गलत हो जाते हैं. आई टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. से आई वॉन्ट टू राइट द वर्ड रियलाइज. रियलाइज मतलब वॉट? एहसास होना. नाउ इफ आई राइट द स्पेलिंग, बिकॉज मैं उसको रियलाइज बोल रही हूँ, वेन आई राइट इट ना, मैं लिखूंगी भी उसको ऐसे RELISE, बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, जो एक्चुअल स्पेलिंग होता है रियलाइज का वो क्या होता है? इट्स RELISE. ठीक है, दिस इज राइट. नाउ ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हुआ? इट्स ओनली बिकॉज कि हमने प्रोनाउंस गलत करा, और सिंस हमने प्रोनाउंस गलत करा तो हमने स्पेलिंग भी गलत लिखा. ठीक है, नाउ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, द वर्ड सिगरेट. ओके, वेन वी राइट इट, नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है इस तरह से वर्ड को लिखने की. ठीक है, विच इज अगेन रॉन्ग. स्पेलिंग हमने गलत क्यों लिखी? अगेन बिकॉज हम लोग उसको प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं. इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट सिगरेट, तो हम जब लिखते टाइम भी यू आर ऑल्सो राइटिंग द वर्ड सिगरेट. ओके, द करेक्ट स्पेलिंग वुड बी सिगर एंड देन इट. ओके, तो द मोमेंट आई स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इट्स अ सिगर एंड इट, सिगरेट, तो आई राइट द करेक्ट स्पेलिंग. राइट, तो ऐसे काफी सारे इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं जिनके स्पेलिंग्स में यूजुअली कंफ्यूजन होता है. कई बार हम एक लेटर को दो बार लिख देते हैं, या जहां पे डबल आना होता है वहां पे हम सिंगल टाइम लिख देते हैं. तो मेनी सच वर्ड्स. ओके, सो जैसे कि प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा है इज वन ऑफ द रीजंस, बट स्पेलिंग्स जो होता है या स्पेलिंग्स जो हम गलत लिखते हैं उसका वन ऑफ द रीजंस प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है. सेकेंड रीजन दैट वी कम वेरी ऑफन ना, जिस वजह से स्पेलिंग्स में गलती होता है, दैट इज योर टाइपिंग एरर्स. टाइपिंग एरर्स क्या होते हैं? कई बार जैसे हम कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं ना, तो इफ देयर इज अ सिंगल लेटर, जैसे उस वर्ड में कोई सिंगल लेटर है वो डबल बार अपियर हो जाता है, या कोई डबल है वो सिंगल बार अपियर हो जाता है. से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट द वर्ड बिटवीन, राइट? सो हाउ डू वी राइट इट? इज VETWEEN. ओके, नाउ जब हम उसको टाइप कर रहे होते हैं ना, व्हाट वी डू इज ईदर वी ओमिट वन ई, या तो वी राइट डबल टी. सो बोथ ऑफ विच इज रॉन्ग. ठीक है, सो ये जो एरर्स होते हैं ना, दे आर नॉर्मली एरर्स विच आर मेड बाय द कंप्यूटर, और उनके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, बिकॉज वो टाइपिंग करते हुए ऑटोमेटिकली वो एरर्स आते हैं. राइट, एक और जो रीजन है जो कॉमनली मैं फाइंड करती हूँ स्पेलिंग्स मिस्टेक के दौरान होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द होमोफोन्स. ठीक है, होमोफोन्स क्या होता है? दे आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन. उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन व्हेन यू राइट ना, उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं तो डेफिनेटली उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. राइट, से फॉर एग्जाम्पल आई टेक द वर्ड, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आई टेक द वर्ड राइट. ओके, राइट इज वॉट? दिस. ओके, नाउ राइट इज वॉट? लिखना. अनादर वे हम राइट को लिख सकते हैं इज दिस. राइट इज वॉट? अगेन ठीक होना या टिक करना इज राइट. अच्छा, यू ऑल्सो हैव राइट, RITE, विच इज राइट का मतलब होता है जो रिचुअल्स होता है या जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, दे आर राइट्स. तो सेंटेंस फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं दैट द रिचुअल्स, द राइट्स ऑफ मैरिज ऑफ साउथ इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पंजाबीज. राइट, सो दैट इज अ राइट. तो उसको उसका प्रोनाउंसिएशन भी राइट ही होता है. राइट, अच्छा राइट, WRIGHT इज ऑल्सो राइट. ओके, राइट का मतलब क्या होता है? WRIGHT, इट इज एनी पर्सन हु इज मेकिंग और रिपेयरिंग एनीथिंग. राइट, सो दैट इज राइट. जैसे हम कहते हैं प्ले राइट, सो प्ले राइट इज एनी पर्सन हु इज राइटिंग प्लेस फॉर अ थिएटर. जैसे प्ले राइट हम कैसे लिखते हैं? यू राइट द वर्ड प्ले राइट इन दिस वे, PLAYWRIGHT. ओके, प्ले राइट, दिस इज नॉट प्ले राइटर, हम प्ले राइटर नहीं लिखते. ठीक है, दैट इज प्ले राइट. सो एनी पर्सन हु इज राइटिंग फॉर प्लेस इन अ थिएटर
इज अ प्ले राइट. ठीक है, तो वट आई मीन टू से इज देखो सारे में द प्रोनाउंसिएशन इज राइट ओनली, लेकिन सिंस सबके मीनिंग्स डिफरेंट है, सबके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, राइट, तो इन वर्ड्स में नॉर्मली ना कन्फ्यूजन्स होता है कि हम स्पेलिंग्स लिखते टाइम हमें हो सकता है एक कंटेक्स्ट में लिखना है, लेकिन हम जब लिख रहे हैं हम किसी और कंटेक्स्ट में यू नो स्पेलिंग यूज कर जाते हैं. ठीक है, अनदर कॉमन वर्ड इज रेड, रीड. ठीक है, रेड इसको अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इट्स रीड. अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर द प्रोनाउंसिएशन इन द पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में भी दिस इज ऑल्सो रेड एज रेड. ठीक है, अच्छा, रेड द कलर इज ऑल्सो रेड, राइट. सो प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज सेम, जस्ट द मीनिंग्स इज डिफरेंट एंड द स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास है ना, इसमें हमारा मेन पर्पज रहेगा कि रफली जैसे मैंने पिकअप करा है 30 odd words, तो इन वर्ड्स का ना स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स जानना, बिकॉज बहुत असेंशियल होता है कि जब हम कुछ लिख रहे हैं ना तो वी राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, बिकॉज आप करेक्टली लिखोगे तो आप करेक्टली उसको रीड भी करोगे, और अगर आप करेक्टली उसको रीड करोगे तो आप करेक्टली आपको उसका पूरे पैराग्राफ का मीनिंग भी समझ जाएगा, राइट. तो इन टुडे सेशन व्हाट आईड बी डूइंग इज आई वुड बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि जो करेक्ट वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या है. रॉन्ग करते टाइम हम मोस्टली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम कौन से अल्फाबेट में हम गलत जाते हैं. कई बार हम कोई एक अल्फाबेट को दो बार लिख लेते हैं, कोई दो बार लिखना उसको सिंगल बार लिखते हैं, या जैसे कई बार क्या होता है कि हमें आई ई लिखना है हम ई आई लिख देते हैं. सो दोज आर द वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक. सो टुडे सेशन आवर मेन पर्पस वुड बी टू इवैल्यूएट सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जानना, उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स जानना, इनकरेक्ट में हम गलती कहाँ करते हैं, सो दैट आगे वो गलती ना हो. ठीक है, एट द सेम टाइम मेरी कोशिश रहेगी आपको ये बताना कि वो जो वर्ड है वो हम किस फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, वेदर वी आर यूजिंग इट एज अ नाउन, यू नो, एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, किस फॉर्म में यूज करते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन में हम वो किस तरह से यूज करते हैं. ठीक है, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन यू डोंट ओनली गेट टू नो कि उन करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है, यू ऑल्सो नो देयर मीनिंग, यू ऑल्सो नो देयर यूसेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Okay, now the first word that we come across is accommodate. Accommodate mein usually we have a double C and you have a double M. Okay, but hum log likhte time the spelling error that we make is hum log double C to karte hai, but you just write a single M, which is wrong. Okay, this is the correct word. These are all the words which are correct and these are the spelling mistakes that we make. Okay. तो डबल सी है, डबल एम है, जब हम लिख रहे हैं यू आर राइटिंग अ सिंगल एम विच इज रॉन्ग. ठीक है, अकोमोडेट का क्या मतलब होता है, अकोमोडेट मीन्स इफ यू आर इफ यू हैव एनफ ऑफ स्पेस दैट इज अकोमोडेट. ठीक है, अकोमोडेट नॉर्मली हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, जैसे यू कैन पुट इट अप इन अ सेंटेंस सेइंग दैट दिस हाउस इज सो स्मॉल, काइंडली अकोमोडेट. ठीक है, तो वो वर्ब फॉर्म में यूज हो गया. अगेन द सेम वर्ड अकोमोडेशन अगर हम कर देते हैं तो इट बिकम्स अ नाउन. ठीक है, हम इसको इस तरह से बोल देते हैं कि लाइक दिस अकोमोडेशन इज सफिशिएंट फॉर थ्री पीपल. ओके, सो दैट वाज अकोमोडेट. द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज अचीव. अचीव में माइंड दैट वी हैव अ आई बिफोर द ई. ठीक है, यू हैव द आई एंड देन द ई. जब हम लिख रहे होते हैं इसमें काफी बार कंफ्यूजन होता है, बिकॉज हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ई को पहले लिखें आई को पहले लिखें, राइट. तो हम पहले कई बार लिखते टाइम ना ई पहले लिख देते हैं एंड देन द आई, विच इज रॉन्ग. ठीक है, द करेक्ट फॉर्म इज आई ई वी ई. ओके, आई एम सो सॉरी. अचीव का मतलब क्या होता है, अचीव मीन्स कुछ मिलना. ठीक है, इफ यू आर गेनिंग समथिंग बाय अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट मीन्स अचीव. Okay, so achieve again is used as a verb, but then if I'm saying achievement, this is used as a noun. Like her list of achievements is very long. ठीक है, अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि उसके बहुत सारे achievements हैं, तो मैं क्या कहूँगी, her list of achievements is very very long, है ना. तो there it is used as a noun. Okay, next word is across. You find there is a single C and double S. जब हम लिख रहे होते हैं हम क्या करते हैं, we put a double C and a double S, which is again wrong. ठीक है, सही स्पेलिंग क्या है, यू हैव अ सिंगल सी एंड अ डबल एस. नाउ अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आपको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है या एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, दैट इज अक्रॉस. ठीक है, अक्रॉस को हम किस तरह से यूज करते हैं, मोस्टली अक्रॉस जो होता है इट इज यूज एज एन एडवर्ब, लाइक दे वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड्स.
ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ पंक्चुएशन. ऑफ कोर्स पंक्चुएशन हम कैसे यूज करते हैं, लाइक देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द लेक, ठीक है. तो देयर इट इज यूज एज अ पंक्चुएशन. सो यू कैन यूज इट बोथ वेज, एज एन एडवर्ब एज वेल एज अ पंक्चुएशन. ओके, नेक्स्ट वर्ड अग्रेसिव. अग्रेसिव में डबल जी डबल एस. अगेन व्हेन वी राइट इट वी पुट इट अ सिंगल जी एंड अ डबल एस. कई बार एस बी, इसमें भी लोग गलती करते हैं, एस बी सिंगल लगा देते हैं, ठीक है. तो दिस इज अगेन रॉन्ग. यू हैव अ डबल जी एंड डबल एस इन अग्रेसिव. ओके, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव मीन्स वन हु इज वेरी रूड इन नेचर. यू कैन सी इज इन अ पोजिशन टू क्वारल और फाइट विद एनी वन, दैट इज अग्रेसिव, ठीक है. अच्छा, सिंस वो किसी का नेचर बता रहा है, देयरफॉर आप किस फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो? यू कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव. ओके, एडजेक्टिव जैसे सेंटेंस में अगर मैं पुट करूँ, ही हैज अ वेरी अग्रेसिव नेचर, ठीक है, और हर अग्रेसिव नेचर विल वन डे यू नो पुट हर इन ट्रबल, ठीक है. तो अग्रेसिव को नॉर्मली हम एज एन एडजेक्टिव ही यूज करते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड अपेरेंटली. अपेरेंटली में आप देखोगे यू हैव अ डबल पी, ओके, एंड यू ऑल्सो हैव अ ई ओवर ईयर. लेकिन जब हम लिख रहे हैं ना, तो यू हैव ए, क्योंकि हम अपेरेंटली बोलते हैं ना, तो हम लिखते टाइम भी यू मेक द सेम मिस्टेक, यू पुट अ ए, एंड दिस इज अगेन रॉन्ग. द वर्ड इज अपेरेंटली, इट्स रेंट, आर ई एन टी, रेंट, ठीक है. अच्छा, अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? अपेरेंटली का मतलब होता है कि जो जैसे अपेयर हो रहा है, जैसे अगर कोई चीज है, ठीक है, वो जैसे अपेयर हो रहा है, जैसे लोग उसको ट्रू मान रहे हैं, ठीक है, द थिंग विच पीपल अज्यूम टू बी ट्रू, कि हाँ ये है, तो दैट इज वॉट, दैट इज अपेरेंटली, ठीक है. वी यूज इट एज एन एडवर्ब ओनली. जैसे मैं कहती हूँ अपेरेंटली ही हैज बीन मैरिड ट्वाइस, लोग मानते भी है दैट ही हैज बीन मैरिड ट्वाइस, ये फैक्ट भी है, ट्रू भी है, ठीक है. सो दैट इज अपेरेंटली. ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड अपियरेंस. अपियरेंस में यूड फाइंड देर इज अ डबल पी एंड ए है, राइट. बट जब हम लिख रहे होते हैं अपियरेंस, हम ई, हमारा टेंडेंसी होता है मोस्टली यहाँ पे हम ई डाल दें. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. द वर्ड इज अपियरेंस. अपियर तो एज इट इज आ ही रहा है एंड उसके आगे इट्स एंड्स, राइट. अपियरेंस का मतलब क्या होता है? अपियरेंस मींस द वे यू लुक. आपका जो लुक होता है, जो एंटायर आप जिस तरह से दिख रहे हो, दैट इज योर अपियरेंस, ठीक है. नॉर्मली वी यूज इट एज अ नाउन. हर अपियरेंस सीम्ड शैबी टू मी, देयरफॉर आई डिडंट सिलेक्ट हर इन द इंटरव्यू, ठीक है. सो दैट इज अपियरेंस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट में देखो क्या होता है ना, ये ध्यान रखना कि आपके आर्ग्यू है, यहाँ पे देयर इज अ ई. ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि हमारा आर्ग्यू का जो स्पेलिंग होता है ना, दैट इज आर्ग्यू. तो हमारा ये टेंडेंसी रहता है जब हमें आर्ग्यूमेंट लिखना है ना, तो हम इसके आगे बस मेंट लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग. आर्ग्यूमेंट में यू डोंट हैव द ई इन बिटवीन, ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, आर्ग्यूमेंट को हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं? यू यूज इट इन अ नाउन फॉर्म ओनली, राइट. कि स्टॉप गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. अच्छा, मैं अगर आर्ग्यूइंग बोल रही हूँ, देन दैट इज अ वर्ब. ओके, स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ मी. ओके, आर्ग्यूमेंट इज अ नाउन. जैसे मैं कहती हूँ द आर्ग्यूमेंट दैट शी गेव इन फेवर ऑफ हर वाज नॉट सैटिस्फैक्ट्री. बिल्कुल भी सैटिस्फैक्ट्री नहीं थे, मैं सैटिस्फाइड नहीं हुई उसके आर्ग्यूमेंट से, राइट. सो दैट इज यूज एज अ नाउन. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज असैसिनेशन. Assassination में आप देखोगे यहाँ पे यू हैव अ डबल एस एंड अगेन अ डबल एस. जब हम लिख रहे हैं ना, तो यू पुट अ डबल एस ओवर हियर एंड अ सिंगल एस ओवर हियर. मोस्टली गड़बड़ी ही इन वर्ड्स में होता है जिनमें यू हैव लेटर्स विच आर डबल. तो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर, आपको उन वर्ड्स में ना स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, राइट. तो असैसिनेशन यहाँ पे यू हैव अ डबल एस एंड अगेन अ डबल एस, बट हियर यू जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो यू पुट अ सिंगल एस ओवर हियर, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है. तो असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? असैसिनेशन मतलब अगर इफ समबडी इज डाइंग एंड सीक्रेटिवली किसी की मौत हो रही है, किसी को मार डाला जा रहा है, इनफैक्ट सीक्रेटिवली हो रहा है, मे बी फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, दैट इज असैसिनेशन. ओके, अच्छा, नॉर्मली हम इसको नाउन की तरह ही यूज करते हैं. द असैसिनेशन ऑफ द पोप लीडर केम एज अ सरप्राइज टू मी, ठीक है. तो या आई हर्ड ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द फेलो प्रिजनर. ओके, सो दैट इज असैसिनेशन. तो दैट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ नाउन. हाँ, अगर आप लिखते हो टू असैसिनेट, अगेन दैट इज यूज्ड एज अ वर्ब. ओके, सो दैट्स ऑल. आई होप इन केस स्पेलिंग्स अब आप कभी भूलोगे नहीं एंड यू रिमेम्बर कि हाँ उनके एक्चुअल स्पेलिंग्स क्या, ऑल्सो आप उनको किस तरह से यूज करोगे, राइट. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. ओके,
नेक्स्ट वर्ड दैट वी कम अक्रॉस इज बेसिकली, ठीक है. एंड जब हम लिख रहे हैं हम क्या करते हैं, सी ए भूल जाते हैं बेसिकली, क्योंकि हम जब प्रोनाउंस करते हैं ना हमारी टेंडेंसी होती है ये बोलने की बेसिकली बेसिकली ये इस चीज का बना हुआ, बेसिकली दिस इज मेड ऑफ दिस, विच इज रॉन्ग. हमें बेसिकली, इट्स बेसिकली मेड ऑफ दिस, ठीक है, प्रोनाउंस हम गलत कर रहे हैं. तो देयरफॉर दिस वर्ड इज रॉन्ग एंड द वर्ड इज बेसिकली, ठीक है. अच्छा, बेसिकली क्या मतलब क्या होता है, मूल रूप से, ठीक है, किसी चीज के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज योर बेसिकली. जैसे मैं इसको सेंटेंस में क्या कैसे यूज करूंगी, एज एन एडवर्ब ही यूज करूंगी ऑफ कोर्स. बेसिकली दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली. ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज बिगिनिंग. बिगिनिंग में यू फाइंड दैट देयर आर टू एन, ठीक है, लेकिन जब हम लिख रहे हैं हम सिंगल एन लगा रहे हैं. अगेन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बिगिन को तो हमने बी ई जी आई एन लिख दिया, एंड फिर हमें अगर बिगिनिंग करना है तो हमें लगता है इसके आगे आई एन जी लगा दो, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है. बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो तो जस्ट इंश्योर कि आप डबल एन यूज कर रहे हो एंड नॉट अ सिंगल एन, करेक्ट. सो दैट वॉज बिगिनिंग. तो बिगिनिंग को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं रीड द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टोरी को शुरू से पढ़ो, ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको एज अ नाउन ही यूज करते हैं. ओके, द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वॉज वेरी सैड, ठीक है, दैट इज बिगिनिंग. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज बिलीव. नाउ बिलीव में आप देखोगे वी हैव अ आई एंड देन वी हैव अ ई, ठीक है. लिखते टाइम हम अगेन क्या मिस्टेक करते हैं, ई आई कर देते हैं, आई कर देते हैं, बोथ ऑफ विच आर रॉन्ग, ठीक है. बिलीव में यू ऑलवेज हैव आई फॉलोड बाय द ई, ठीक है. बिलीव का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट करना, किसी चीज पे फेथ रखना, मानना किसी चीज को, दैट इज बिलीव, ठीक है. बिलीव को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है. जैसे मैं कहती हूँ प्लीज बिलीव मी आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, दैट इज बिलीव. अच्छा, इससे मिलता जुलता देयर इज अ वर्ड बिलीव, बी ई एल आई ई एस, ठीक है. नाउ यू हैव टू टेक केयर कि दिस इज द यूज एज अ वर्ब, लेकिन बिलीव बिलीफ इज यूज एज अ नाउन, ठीक है. बिलीफ का मतलब क्या होता है, आपका भरोसा होना किसी चीज पे, कोई ऐसा कस्टम है, कोई ऐसा रिचुअल है, कोई ऐसा ट्रेडिशन है जिसके ऊपर आपका भरोसा, दैट इज योर बिलीफ, ठीक है. हर बिलीफ इन हर कल्चर लेड हर टू हर प्रॉस्पेरिटी, कि वो अपने कल्चर में जो इतना विश्वास रखती थी, बिलीव करती थी, दैट इज वाई वो प्रॉस्पर कर गई, राइट. सो दैट वॉज बिलीव. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बिजारे. बिजारे का प्रोनाउंसिएशन भी हम ऐसे करते हैं, बिजारे. बिजारे में यू फाइंड दैट वी हैव अ सिंगल जेड, लेकिन हम लोग लिखते टाइम यू पुट अ डबल जेड, विच इज रॉन्ग, ठीक है. बिजारे का मतलब क्या होता है, बिजारे मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज, कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीबो गरीब, तो दैट इज बिजारे, ठीक है. सिंस वो कोई नेचर बता रहा है तो ऑब्वियसली वी यूज इट एज एन एडजेक्टिव, ठीक है. आई फेल्ट बिजार थिंग्स हैपनिंग टू मी इन द पैलेस, ठीक है. So that is bizarre. अगर कुछ भी अजीबो गरीब है, which is not right, you feel that is very strange, very unusual, that is bizarre. Okay? We move on to the next word, business. Now business ना हम लोग business कभी नहीं बोलते हैं. We always call business, which is also right. Pronunciation भी उसका business ही होगा. We हम लोग business प्रोनाउंसिएशन वाइज तो गलत है, लेकिन हाँ स्पेलिंग वाइज अगर हम देखें ना तो इट्स एस आई, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं ना हम आई एस कर देते हैं एंड एनी डबल एस, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है. बिजनेस इज बी यू एस आई, और इसमें काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है. तो यू टू टेक केयर ऑफ दिस वर्ड, इट्स बी यू एस आई एंड देन एनी डबल एस, ठीक है. बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस इज एनी वर्ड दैट इज फेचिंग यू मनी, जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है. इट कैन बी बाइंग, सेलिंग, कुछ भी आप कर रहे हो विच इज गिविंग यू मनी, विच इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, दैट इज बिजनेस, ठीक है. नॉर्मली वी यूज इट इज अ नाउन फॉर्म ओनली, जैसे माय बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल दीज डेज, ओके, हिज बिजनेस इज सफरिंग अ लॉट दीज डेज, ठीक है. तो दैट इज बिजनेस, ठीक है. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. Okay, now the first word that we have over here is calendar. Calendar, हम लोग कई बार सुनते हैं, calendar, it's D-A-R, लेकिन जब हम spell up करते हैं ना, we write it D-E-R, which is wrong, ठीक है. calendar में भी बहुत mistakes होते हैं, calendar, ठीक है, D-E-R, अच्छा खासा इंसान को अगर आप पूछोगे ना, तो spelling वो wrong ही बताएगा, most of the times, because इसमें confusions होते हैं, right? अच्छा, तो calendar क्या होता है, it's a list which gives you the weeks, the months, you know. So that is what? That is a calendar.
कैलेंडर को हम एज अ नाउन ही यूज करते हैं, दैट आई नीड अ कैलेंडर ऑफ जैन हॉलीडेज, ठीक है, तो दैट वाज कैलेंडर. अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है ना, दैट इज कैरेबियन. कैरेबियन का मतलब क्या होता है? यू फाइंड डबल बी ओवर हियर, जब हम लिख रहे हैं सिंगल बी, ठीक है, तो इंश्योर कि आपको डबल बी लिखना है इन द वर्ड कैरेबियन. अच्छा, कैरेबियन का मीनिंग क्या होता है? कैरेबियन इज एक्चुअली अ सी दैट इज बिटवीन योर वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, तो उस सी या वहाँ के आइलैंड्स को जो लोग बिलोंग करते हैं वी कॉल देम कैरेबियन. ओके, तो बिकॉज वो एक नेचर बता रहे हैं एक तरीके से, सो कैरेबियन इज ऑब्वियसली यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. जैसे मैं कह सकती हूँ द कैरेबियन पीपल हैव अ वेरी वार्म नेचर, ठीक है, तो कैरेबियन के जो लोग होते हैं, कैरेबियन जो पीपल होते हैं उनका नेचर बहुत वार्म होता है, ठीक है, बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो दैट इज कैरेबियन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सिमेट्री. सिमेट्री में आप देखोगे टी ई होता है, राइट, एंड वेन वी राइट इट सिमेटरी कर देते हैं, ठीक है, विच इज अगेन रॉन्ग. सिमेटरी कुछ वर्ड नहीं होता है, इट्स सिमेट्री. सिमेट्री क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल आर बरिड, जहाँ पे दफनाया जाता है, दैट इज सिमेट्री, ठीक है. सिमेट्री हम नॉर्मली एज अ नाउन ही यूज करते हैं, देयर वाज अ सिमेट्री नियर द चर्च, ठीक है, सिंपल है, एक सिमेट्री था, यू नो, जहाँ पे पीपल को दफनाया जाता है, नियर द चर्च, दैट इज सिमेट्री. अच्छा, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है सिमेट्री, इट्स SYMMETRY, ठीक है. सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री इज बराबर होना. जैसे मैं कहती हूँ अगर एक सर्कल है एंड इफ आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, और द डायमीटर इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, तो जो दो सेमी सर्कल्स है दे आर सिमेट्रिकल टू वन अनदर, ठीक है. सिमेट्री मतलब बराबर होना, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज शफ. अगेन दीज आर नो सिमेट्री, सिमेट्री दे आर होमोफोन्स आप कह सकते हो, बिकॉज स्पेलिंग अलग है, मीनिंग्स अलग है, बट अगेन देयर प्रोनाउंसिएशन इज द सेम, राइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज शफर. शफर क्या होता है? शफर इज पहले तो स्पेलिंग देखते हैं. शफर यहाँ पे डबल एफ है एंड इट्स ई यू. जब हम लिख रहे हैं ना तो डबल एफ तो करते हैं, शफर शफर फर है तो एफ ई आर कर देते हैं, दिमाग में नहीं आता कि ई यू भी हो सकता है, राइट, तो वी मेक दिस मिस्टेक विच इज अगेन रॉन्ग. शफर इज ई यू आर, राइट. अच्छा, शफर का मतलब क्या होता है? शफर इज एनी ड्राइवर, ठीक है. यूजुअली ज्यादा जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, या स्पेशलाइज गाड़ियां चलाते हैं, दैट इज शॉफर. ओके, एज अ नाउन ओनली वी यूज इट. हम जैसे बोलते हैं ही ओनली अलाउज हिज मर्सिडीज टू बी ड्रिवन बाय अ शॉफर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कलीग. कलीग जी यू ई एंड देयर इज अ डबल एल, ठीक है. जब हम लिख रहे हैं हम यहाँ पे ई फॉरगेट कर रहे हैं, डबल एल जी यू ई कर रहे हैं, लेकिन कलीग इज ई ए आ रहा है, ठीक है, विच इज राइट, एंड अगेन हम ई के बाद वी आर फॉरगेटिंग द ए विच इज रॉन्ग, ठीक है. कलीग यू ऑलवेज हैव इट ई ए, राइट. ओके, कलीग का मतलब पता ही होगा आप लोगों को कि कोई पर्सन जो आपके साथ का है, अगर आपके साथ ही वर्क कर रहा है, पर्सन इज वर्किंग विथ यू, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कलीग, ठीक है. नाउन की तरह यूज करोगे ऑब्वियसली. जैसे आप कहोगे कि दैट माई कलीग इज वेरी हार्ड वर्किंग, या माई कलीग इज एब्सेंस फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है, तो दैट इज कलीग. ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज कमिंग. कमिंग सिंगल एम होता है. इस वर्ड में भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, कमिंग कर देते, कम करते और फिर मिंग एम आई एन जी कर देते, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है. कमिंग में यू ऑलवेज हैव अ सिंगल एम. ओके, अच्छा, कमिंग हम कई बार सुनते हैं, बट इसका वो आपको पता होना चाहिए कि हम किस फॉर्म में यूज करते हैं. कमिंग हम नॉर्मली एज अ नाउन यूज करते हैं. ओके, द कमिंग ऑफ कंप्यूटर्स मार्क्ड अ न्यू एरा, ठीक है. कंप्यूटर्स के आने से एक नया एरा स्टार्ट हुआ, तो हियर आई एम यूजिंग इट एज अ नाउन. अच्छा, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव, ठीक है. मैं ये बोल सकती हूँ दैट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर वेकेशन इन द कमिंग हॉलीडेज. कैसे हॉलीडेज? कमिंग हॉलीडेज, ठीक है. तो देयर आई एम यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव. ओके, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कमिटी. कमिटी में आप देखोगे डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है. लिखते वक्त हम कोई एक ओमिट कर जाते हैं, यहाँ पे मैंने डबल टी ओमिट कर रखा है, लेकिन आप कई बार एम भी ओमिट कर जाते हो, कई बार ई भी ओमिट कर जाते हो, ठीक है. कमिटी क्या होता है? कमिटी इज जैसे कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. कई बार आप लोगों को देखा होगा कमिटी में पैसे डालना, इट इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड फॉर अ कॉमन कॉज. कुछ एक पर्टिकुलर कॉज होता है कमिटी, या तो पूजा की कमिटी होती है कि पूजा के डिसीजन लेने हैं, या तो जैसे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है, फॉर अ कॉज, कि भाई उस ड्रॉट में देना है या फ्लड में देना है, दैट इज अ कमिटी.
नॉर्मली हम इसको एज अ नाउन ही यूज करते हैं, द पूजा कमेटी इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन अ फ्यू डेज, क्योंकि दशहरा आ रहा है तो अभी पूजा कमेटी बनने वाली है, राइट? सो दैट इज कमेटी. ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज कम्प्लीटली, PLETELY, TE अगेन मिसिंग है एंड दिस इज रॉन्ग. ठीक है, कम्प्लीट आप पहले लिखोगे कम्प्लीट एंड देन जस्ट एड LY. ठीक है, तो ये रूल ना सब में नहीं फॉलो होता कि हम पहले पूरे वर्ड को लिख रहे हो फिर आगे सफिक्स जोड़ दे रहे हैं. ठीक है, आगे जब क्लासेस होंगी ना सफिक्सेस का यूटिलाइज की, हाँ स्पेलिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज कम्प्लीटली, राइट? अच्छा, कम्प्लीटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, ऑल ओवर, राइट? जैसे मैं कहती हूँ, आई कैन यूज इट एज अ एडवर्ब ओनली. जैसे मैं कहती हूँ कि द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. कैसे डिस्ट्रॉयड? कम्प्लीटली. सो दे आई एम यूजिंग इट एज एन एडवर्ब, राइट? एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्शियस. देखो कॉन्शियस में क्या है? एस सी है. ठीक है, जब हम लिख रहे हैं ना तो एस गायब है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग. कॉन्शियस का जो सही स्पेलिंग है इट इज एस सी. कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? होश में होना. ठीक है, इफ यू आर एबल टू हियर, यू आर एबल टू सी. ठीक है, अगर आप सब अपने पूरे होश आवाज में हो, दैट इज कॉन्शियस. ठीक है, तो कॉन्शियस अगेन कैन बी यूज एन एडजेक्टिव ओनली. ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं दैट शी वॉज कम्प्लीटली कॉन्शियस बिफोर द टाइम शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में ले जाने से पहले वो अपनी पूरी होशो आवाज में थी, राइट? सो दैट इज एक्सक्यूज मी कॉन्शियस, राइट? ओके, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी में देखो क्या है ना, IOS है. ठीक है, लेकिन जब हम लिख रहे हैं ना IOUS कर देते, क्यूरियस. इसमें भी वही गलती हम कर देते हैं, बिकॉज हम पहले क्यूरियस लिखने की कोशिश करते हैं एंड उसके आगे फिर हम ITY लगा देते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग, राइट? सो दिस इज रॉन्ग एंड क्यूरियोसिटी, CURIOS एंड देन ITY. ठीक है, क्यूरियोसिटी. अच्छा, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा. ठीक है, इफ यू आर वेरी कीन टू नो, इफ यू आर वेरी ईगर टू नो अबाउट समथिंग, दैट इज क्यूरियोसिटी. ओके, तो क्यूरियोसिटी का हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? दैट नॉर्मली हम इसको एज अ नाउन ही यूज करेंगे, दैट हिज क्यूरियोसिटी मेड हिम प्रॉस्पर इन लाइफ. वो इतना क्यूरियस जो होता था ना चीज़ों के बारे में, जानने की इच्छा थी उसमें, तो देयरफॉर ही वाज यू नो ही गॉट प्रमोशंस इन लाइफ और बहुत प्रॉस्परस होता गया. ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई ओपन द लेटर. ठीक है, मैं बहुत ही कीन था उस लेटर के अंदर क्या है जाने के लिए, देयरफॉर आई ओपनड इट, राइट? दैट इज क्यूरियोसिटी. ओके, तो आई होप काफी हद तक क्लियर है स्पेलिंग, हमने क्या गलती करते हैं, राइट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. ओके, द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव ओवर हियर इज डेफिनेटली. डेफिनेटली में आप देखोगे यू हैव NI. ठीक है, जब हम इसको लिख रहे हैं हम NAT कर दे रहे हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली कहते हैं, हम जब बोलते हैं ना तो हम डेफिनेटली कहते हैं, तो ऑक्सेंस के है गलत रहे एंड अगेन हम लिख गलत रहे हैं. डेफिनेट इट्स NITELY. ठीक है, डेफिनेटली का मतलब होता है जरूर से, समथिंग विच यू आर वेरी श्योर ऑफ. अब अगर बहुत पक्का हो किसी चीज के बारे में कि ये तो होना ही होना है, दैट इज डेफिनेटली. ठीक है, तो डेफिनेटली को हम कैसे यूज करते हैं? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एज एन एडवर्ब यूज करेंगे. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्लियर माई एग्जाम्स दिस टाइम. ठीक है, मैं जरूर से एग्जाम्स क्लियर करूंगी, दैट इज डेफिनेटली. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेलेमा. डेलेमा का आप देखोगे इट्स MMA. हम लोग आई डोंट नो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम NMNA लिखते हैं, डेलेमना. ठीक है, विच इज अगेन रॉन्ग. ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज MMMA. ठीक है, डेलेमा का मतलब क्या होता है? इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि आप ये करो या वो करो, दैट इज डेलेमा. ठीक है, तो नॉर्मली वी यूज इट एज अ नाउन. जैसे मैं कहती हूँ डॉक्टर्स आर इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा दीज डेज, वेदर टू सेव फैमिली और टू सेव पेशेंट्स. ठीक है, डॉक्टर्स बहुत कंफ्यूज है, बिकॉज अगर वो फैमिली को देखते हैं तो पेशेंट्स को नहीं देख सकेंगे, और पेशेंट्स को देखते हैं तो फैमिली यू नो द फैमिली कम्स एट रिस्क. सो वो डिलेमा होता है कि आप अनश्योर हो. ठीक है, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज इन अ डिलेमा वेदर टू गो फॉर अ करियर और टू गो फॉर अ फैमिली. सो दैट इज डिलेमा. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिसअपीयर. Disappear, you find double P. ठीक है, जब हम लिख रहे होते हैं यू हैव अ सिंगल P, विच इज अगेन रॉन्ग. Disappear में यू ऑलवेज हैव अ डबल P. Disappear का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना. ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली ना दिखना, दैट इज disappear. ठीक है, disappear हम यूजली यूज करते हैं एज अ वर्ब. जैसे मैं कहती हूँ द सन disappeared बिहाइंड द क्लाउड्स. ठीक है, दैट इज disappear. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, disappointment.
डिसअपॉइंट. ओके द वर्ड इज डिसअपॉइंट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, डबल पी है बट हम लिखते टाइम सिंगल पी कर रहे हैं, विच इज अगेन रॉन्ग. ठीक है, डबल पी ही होता है, डिसअपॉइंट, डिसअप एंड देन पॉइंट में भी पी है. नाउ डिसअपॉइंट का मतलब क्या होना, निराश हो जाना. ठीक है, अगर हम किसी से निराश होते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अदर पर्सन, कि भाई वो जो कर रहा है दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज डिसअपॉइंट होना. ठीक है, तो डिसअपॉइंट हम एज अ वर्ब ही यूज करते हैं. प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी बाय योर वर्क. ठीक है, मुझे निराश मत करो अपने काम से, डू इट प्रॉपरली सो दैट आई एम हैप्पी. ओके, दैट इज डिसअपॉइंट. अच्छा, एक्सटसी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, दैट इज एक्सटसी. एक्सटसी का मतलब क्या होता है, इट्स द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. स्पेलिंग वाइज अगर देखें, इट इज टी ए एस वाई, लेकिन हम लिखते टाइम टी ए सी वाई कर देते हैं, टेस सी. ठीक, कई वर्ड में ना हम फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमें सुनाई दे रहा है हम वैसे ही लिख देते हैं, तो विच इज रॉन्ग. ठीक है, तो एक्सटसी का मतलब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. अगर आप बहुत खुश हो, एक खुश पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, दैट इज एक्सटसी. ठीक है, यू कैन से दैट हर एक्सटसी न्यू नो बाउंड्स व्हेन शी गॉट प्रमोशन. ठीक है, एक्सटसी इज अ नाउन ही हम यूज कर रहे हैं मोस्टली. ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैरेस. यू फाइंड अ डबल आर ओवर हियर, डबल एस ओवर हियर. हम लिखते टाइम कोई एक चीज ओमिट कर रहे हैं, विच इज अगेन रॉन्ग. द वर्ड इज, इट हैज अ डबल आर एंड अ डबल एस. एम्बैरेस का मतलब क्या होता है, एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदगी करवाना, जैसे शेमफुल फील कर पाना. ठीक है, इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, यू कैन एम्बैरेस मी, क्योंकि मैं शर्मिंदा फील कर रही हूँ ऑफ वॉट यू आर डूइंग, सो दैट इज एम्बैरेस. ठीक है, एज अ वर्ब ही यूज करेंगे, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी. ठीक है, या हर पेरेंट्स वर एम्बैरेस बाय हर एक्टिविटीज. ठीक है, सो दैट इज एम्बैरेस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज एनवायरमेंट, आर ओ एन. हम लिखते टाइम एनवायरमेंट लिख देते हैं, अगेन इसका लॉजिक भी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम एनवायरमेंट बोलते तो नहीं है, लेकिन आई फाउंड स्टूडेंट्स राइटिंग एनवायरमेंट. ठीक है, तो इट इज एन, देर इज अ एन ओवर हियर. ठीक है, एनवायरमेंट नाउन होता है, आपको पता है, ये साइंस में पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, यू नो, एयर, वाटर, तो दैट इज एनवायरमेंट. ओके, द एनवायरमेंट इन द हिल्स आर वेरी पीसफुल, राइट, सो दैट इज एनवायरमेंट. ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज एग्जिस्टेंस. ओके, एग्जिस्टेंस में आप देखोगे टी ई एन सी होता है, लेकिन हम लोग लिखते टाइम टेंस लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस, तो टी ए एन, विच इज अगेन रॉन्ग. एग्जिस्टेंस होता ना टी ई एन सी, राइट, तो कई लोग ना यहाँ पे एस बी कर देते हैं, राइट, तो दैट इज रॉन्ग. जस्ट रिमेंबर टी ई एन होता है एंड टेंस, क्योंकि ना टेंस में टेंसेज वाला टेंस जो होता है ना, उसमें टी ई एन एस ई होता है एक्चुअली, तो उसमें ना वो कर देते हैं, यहाँ पे टेंस कर देते हैं. ठीक है, विच इज अगेन रॉन्ग, जस्ट रिमेंबर इट इज टी ई एन सी. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो, वजूद होना, किसी चीज, अगर कोई चीज है, उसका प्रेजेंस है, दैट इज एग्जिस्ट. ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब ही यूज करेंगे. जैसे मैं कहूंगी कि सॉरी, एग्जिस्टेंस को एज अ नाउन यूज करेंगे, टू एग्जिस्ट को हम एज अ वर्ब यूज करेंगे. जैसे एग्जिस्टेंस मैं कहती हूँ, दे लिव्ड अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस इन अ स्मॉल फ्लैट इन मुंबई. ठीक है, उनका वो रह रहे थे, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे, क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था. ठीक है, दैट इज एग्जिस्टेंस, राइट. तो आई होप काफी स्पेलिंग्स इस सेट में भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर है, राइट. ओके, आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, अ वेरी स्मॉल क्विज, ऑल्दो आई विल बी टेकिंग सम मोर वर्ड्स इन द कमिंग क्लासेस. आज मैंने कुछ रफली 30 वर्ड्स लिए हैं, बट लेट मी सी आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेलिंग क्या है, बिकॉज रफली आइडिया होता है. Choose the correct spelling of the missing word in each sentence. Are you dash to the party tonight? Single M या double M? होता क्या ना कि अगर हमें कई बार spellings पता भी होता ना, तो अगर हमें दो spellings दिख रहे हैं ना, one of which is incorrect, एक correct, pronunciation same है, तो we get confused. Objectives में यही होता है कि हम confused हो जाते हैं कि चारों options एक जैसे दिख रहे हैं. ठीक है, तो this is wrong. Coming is single M. ठीक है, अच्छा, I lived in Paris dash 2012. It's until is single L, no double L. Okay. Be careful when we walk across the road. Across single C, no double C. ठीक है? अच्छा. Number four. Do you know dash answer is correct? W-I-C-H, W-H-I-C-H. Of course, W-H-I-C-H. ठीक है? Pretty easy. अच्छा. Kim's new friend is dash handsome. Really single L? Yeah, double L.
इट्स डबल एल, ठीक है? ओके, नेक्स्ट नंबर सिक्स वी हैव, दे हैव बीन मैरिड फॉर डैश इयर्स, ठीक है? 40 या 40, अच्छा हाँ, दिस इज अनदर वर्ड ना जिसमें अच्छे खासे इंसान को मैं देखती हूँ कि दे गेट कंफ्यूज, बिकॉज होता क्या ना, जब हम फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर लिखते हैं तो इट्स एफ ओ यू आर, है ना? तो अगर सपोज करो हमें 41 लिखना है तो हम क्या करते हैं, एफ ओ यू आर टी वाई एंड ओ एन ई, ठीक है, विच इज रॉन्ग, इट्स 41, एफ ओ आर टी वाई एंड ओ एन ई, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ठीक है? तो इसमें ध्यान करना, फोर पहले नहीं लिखना है, ठीक है, वो फोर तक ही फोर लिखना है, उसके बाद जितने भी होते हैं उसमें फोर हो जाता है, एफ ओ आर हो जाता है, राइट? सो 40 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज द मीटिंग इज डैश इन 10 मिनट्स, बिगिनिंग डबल एन या सिंगल एन, इट्स डबल एन, ठीक है, दिस आई होप आई टोल्ड यू. अच्छा, इट्स कोल्ड इन विंटर बट इन स्प्रिंग द डैश इज ब्यूटिफुल वेदर, डब्ल्यू ई टी एच ई आर या इट्स डब्ल्यू ए डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, इज डब्ल्यू ई ए, ठीक है? ओके, वाई आर यू क्राइंग, वॉट डैश हैपेंड, डबल पी है यहाँ पे, ठीक है, एंड ई एन ई डी है, यहाँ पे डबल पी तो है, ई एन डी है, तो कौन सा करेक्ट होगा, इट्स दिस वन, ठीक है, हैपेंड. ओके, नेक्स्ट वर्ड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अगेन देखो यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे आई ई है, तो कौन सा होगा, इट्स आई ई, फ्रेंड में यू हैव आई ई. ओके, सो दिस वॉज योर क्विज. ओके, सो टुडे सेशन वॉज बेसिकली अबाउट, क्या था, हमने कुछ रफली 30 वर्ड्स करे, 30-35 ऑड वर्ड्स वे दे आई होप. तो उन वर्ड्स का हमने क्या करा, बेसिकली स्पेलिंग्स हमने सीखा कि रॉन्ग स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, उसका वो किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि ये जो सेशन है ना वो सिर्फ इस चीज पे लिमिटेड ना रहे कि भाई सिर्फ स्पेलिंग स्पेलिंग्स आ गया, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग भी जानो, गो डीप इन टू दैट वर्ड, उसका मीनिंग भी जानो, उसका यूजेज भी जानो, गेट टू नो एवरीथिंग, राइट? सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन, आई होप इट वॉज अ बिट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू.